तो श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में है, तो कहते हैं मेरे पापों का विस्तार इतना अधिक है कि उतना दूसरा नहीं है, अपराम पापा नम वितिम, वितति मैंने विस्तार, पापों का विस्तार इतना ज्यादा है कि ऐसा दूसरा नहीं है। वही मौसम कौन कुटिल खलकानी। अतः हे श्री जगन्नाथ देव, मेरा पाप दूर कीजिए, मेरा पाप नष्ट कीजिए, पापों का विस्तार समाप्त कीजिए। किसी भी भक्त को ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। भगवान से भक्ति की शिक्षा लेनी है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिखाने के लिए आए थे, तो अपने को बिल्कुल दीनहीन समझना, इसीलिए कहते हैं कि दीन अनाथे निहित चरण, जो दीन इस संसार में है, अनाथ है, जिसका कोई नाथ नहीं है, उसको जगन्नाथ जी अपना चरण कमल का प्रसाद देते हैं। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद, उनकी कृपा उनको मिलती है जो अपने को अनुभव करते हैं इस संसार में कि मैं बिल्कुल दीन हूं, नीच हूं और अनाथ हूं, मेरा पालक कोई नहीं है। जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि श्री जगन्नाथ तो जगत के नाथ हैं और मैं जगत के अंदर हूं तो मेरे भी नाथ हैं, तो ऐसा अनुभव करता है कि मेरे नाथ जगन्नाथ हैं, मैं अनाथ हूं और कोई मेरा नाथ नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है, पालक नहीं है, तो ऐसे भक्त पर भगवान अपना चरण कमल का आशीर्वाद देते हैं। तो जो अनाथ के नाथ हैं, दीनों के नाथ हैं, वे जगन्नाथ हमारे नैनों को स्नाथ करें, हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हों, हमेशा प्रकट रहे। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवत में, ऐसे जगन्नाथ जी हमारे नेत्रों के पथ में, दृष्टि पथ में हमेशा रहे। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवत में। जगन्नाथ ये संबोधन नहीं है, ये तृतीय पुरुष में वर्णन है, जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवत में। जगन्नाथ हमारे स्वामी हमारे नेत्र पथ में आ जाए, हमें दर्शन दें, यह प्रार्थना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो अपने को पापी कह रहे हैं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है, सत्य बात है। भगवान चैतन्य महाप्रभु पापी नहीं है, लेकिन भक्तों का यही मूड होना चाहिए, इसकी शिक्षा दे रहे हैं। मेरे पापों का विस्तार इतना ज्यादा है कि मैचलेस है, अपराम, कोई दूसरा इतना पाप नहीं किया है, न कर सकता है जितना मैं पापी हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है विनय पत्रिका में कि मेरे पापों की गणना करने बैठे गणेश जी और भगवान शेष अनंत,
जिनके 1000 मुख हैं, 1000 फन और अपार शक्ति है, ब्रह्मांड को उठाने की शक्ति है, अपने सिर पर संपूर्ण भूमंडल लिए रहते हैं, बहुत बड़ी शक्ति है और बोलने की शक्ति, 1000 मुख से बोलते रहते हैं। तो ये सब बैठे एक लाइन में मेरे पापों को गिनने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शेष नाग गिर गए, थक गए मेरे पापों के सूची को बनाने में, 1000 मुख से गिन रहे थे लेकिन केवल सूची पढ़ने में वो गिर गए, बेहोश हो गए, जैसे दुशासन बेहोश हो गया द्रौपदी की साड़ी खींच करके, ऐसे बेहोश होकर गिर गए शेषनाग। माता सरस्वती की वाणी कुंठित हो गई, वो कुछ बोल नहीं सके, कहे कि इतना ज्यादा पापी है तुलसी कि अब मैं नहीं गिन सकती। और गणेश जी जो लिखने बैठे थे उनका भी हाथ कांप गया कि अरे बाप रे, इतना बड़ा पापी, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं अब तक। तो गणेश जी थक गए, भगवान शेष नाग थक गए मेरे पापों को गिनने में, पापों को नहीं, पापों की सूची बनाने में, लिस्ट नहीं बना पाए, इतना ज्यादा पाप है। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पापा नाम बीतते, पापों का विस्तार इतना ज्यादा है कि उसका कोई दूसरा मैच नहीं है, दूसरा कोई पापी ऐसा नहीं है, मैं ऐसा पापी हूं। ये सब शब्द पढ़ने पर भक्तों के मन में भी भ्रम हो सकता है कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन भक्त का यही अनुभव होता है, भाव होता है कि मेरे अलावा और सब पवित्र हैं, मेरे अलावा सब शुद्ध हैं, मैं पापी हूं। गणेश जी थक जाते हैं तुलसीदास जी के पापों को गिनने में। जो समस्त बुद्धियों के, ज्ञान के स्रोत हैं, भंडार हैं, वे गणपति जी भी थक जाते। एक बार देवताओं में मीटिंग हुई और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जो व्यक्ति ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा, पूरे ब्रह्मांड की, तो उसी की अग्र पूजा होगी, सबसे प्रथम पूजा होगी, ये क्वालिफिकेशन निश्चित किया कि ब्रह्मांड को घूम करके आना है। तो सब देवता अपने अपने सवारी पर चढ़े। अब गणपति जी क्या करे, इनके पास केवल मूस था, एक चूहा था, तो बहुत मंद गति से चलने वाला, तो बहुत चिंता में पड़ गए और गणेश जी का मुख लटक गया नीचे की तरफ। तो श्री नारद जी से भेंट हुई, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी। नारद जी ने पूछा, क्यों गणपति जी आप उदास क्यों बैठे? तो गणपति जी ने कहा, मैं इसलिए उदास बैठा हूं कि मेरे पास ये सवारी बहुत मंद गति से चलने वाला, मैं भी चाहता हूं कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करूं।
सब लोग चल दिए अपने अपने वाहनों पर, और तो इसी से मैं चिंता में हूं। तब नारद जी ने उपाय बताया, आप चिंता मत कीजिए, राम नाम लिख करके उसी की परिक्रमा कीजिए। तो गणपति जी राम शब्द लिखे और उसके बाद अपने चूहा पर बैठ करके घूमने लगे, तो सब देवताओं से पहले आ गए। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मांड का भ्रमण करके आ गया। कैसे? तो वास्तव में भगवान राम में सारा ब्रह्मांड है, उनके नाम में और उनमें भेद नहीं है। तब सभी देवताओं ने मान लिया कि गणेश जी प्रथम पूज्य होंगे। तो जिनके नाम की ऐसी महिमा है, तो उस नाम को लेने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विषय में जो लिखें तो वह सत्य नहीं है। अतः किसी भक्त को ऐसा नहीं मानना चाहिए कि तुलसीदास जी कुछ पापी थे तभी तो लिखे हैं। नहीं, वे बिल्कुल शुद्ध थे, भगवान के परम भक्त। लेकिन भक्त के अंदर ऐसा ही भाव होता है कि मैं पापी हूं, और ऐसा ही विचार होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। इसी भक्त भाव के अनुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु